हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपका कल्चर भी अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपको मछली के बच्चे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो कैसे भेजेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले क्या करना चाहिए, पहले ये देखिए जाल लगा के जो है मछलियों को पकड़ा जा रहा है। और वीडियो के साथ बने रहिए ताकि एक एक स्टेप आप देखते जाइए। और वैसे अपने अगर बच्चे को सेल करना है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के कैसे जो है आप एक जगह से दूसरी जगह मछलियों को भेज सकते हैं। तो जो भाई लोग नया आए हों, प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी किसानों का इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। तो दोस्तों ये देखिए, ये जाल लग रही है और बच्चे को पकड़ा जा रहा है। और इस वीडियो में हम पूरा पहुंचाने तक का वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आपको बताएंगे। और देखते जाइए कैसे जो है जाल को जो है निकालते हैं हम लोग, बच्चे को पकड़ते हैं। ये पूरा लाइव वीडियो है और थोड़ा सा बड़ी भी होगी, बट नॉलेज के लिए तो थोड़ा सा बड़ी देखना ही पड़ेगा आपको। शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि बहुत कम समय में जो है आपको दिखाना पड़ता है तो उसमें समझ नहीं आता, तो बाद में आप वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। ये देखिए बच्चे को इतना पकड़ा गया है और ये हापे में जो है रखा जा रहा है। अभी इसका हापा भी आगे चल के जो है आपको दिखाने वाले हैं कैसे लगता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि एक एक स्टेप मिस ना करें आप, और देखते जाइए। तो ये देखिए हापा बनाया गया है और जो हमने मछलियाँ पकड़ी हैं उसको इसी हापे में जो है 2-3 घंटे के लिए रखा जाएगा ताकि वो टाइट हो सके। मतलब जो अगर वो उनके पेट में कुछ भी खाना वगैरह है तो वो साफ़ हो सके और रास्ते में जो है वीट ना कर सकें। नहीं तो अगर वीट करेगी रास्ते में तो जो पानी रहता है वो गंदा करेंगी तो उससे अमोनिया फैलेगा और रास्ते में ही मछली जो है डेड हो सकती है। तो इसलिए जो है हापे में जो है हम लोगों को जो है 2-3 घंटे जो है इसी में डाल के छोड़ा जाता है। इसीलिए ये हापा बनाया जाता है और बच्चे को टाइट किया जाता है। स्क्रीन पे देख के आप भी ऐसे हापे जो है बना सकते हैं। और अगर आपको भी भेजना है कहीं पे मछलियाँ को तो ऐसे ही आप फॉलो कर सकते हैं। इन बच्चों को हमको जो है दूसरी जगह भेजना था तो हम सोचे जो है क्यों ना इसका भी वीडियो बना के आप सभी को दिखाया जाए ताकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। जिन भाई लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे दे रहे हैं, आप वहां पे जाके वीडियो देख के ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो है ये देखिए, ये है पिकअप जिसमें हम लोग पॉलीथीन जो है किनारे पे बांध करके इसमें पानी फिल करेंगे। और ये एक पॉलीथीन है, अभी इसके ऊपर से नई पॉलीथीन लगेगी क्योंकि 2 पॉलीथीन लगाने पे जो है पानी का लीकेज नहीं होगा, नहीं तो पानी लीक हो जाएगा तो फिर बच्चे जो है मर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सेफ्टी के नाते 2 पॉलीथीन यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये बांधा जाता है, आप भी ऐसे बांध करके बच्चे को लोड करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, अभी इसके ऊपर दूसरी पन्नी ये देखिए लग रही है। और ये है वाटर फिल, अभी इसमें जो है पानी भरा जा रहा है पॉलीथीन लगने के बाद। देखते जाइए अभी जो है इसमें हापा भी चलेगा तो कैसे हापा जो है लगाते हुए सब लोग लेके जाते हैं। ये पानी फिल हो रहा है, पानी के साथ ही मछलियां जाती हैं और ये बिना ऑक्सीजन के जाएंगी। ये समरसेबल के माध्यम से हम लोग पानी को फिल कर रहे हैं।
तो अभी हम लोग जो है मछलियों को जो है तौल से जो है निकाल के गाड़ी पे जो है लोड करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे जो है छोटे से एक जाल बना करके उसी में जो है बच्चा आएगा। हम लोग देखिए जो जाल बना है उसका तौल जो है माइनस करके तौले हैं, ताकि उसमें भी पानी थोड़ा बहुत रहता है तो उसका भी माइनस कर दिए हैं। अब जो है बच्चे की जो है वेट किया जाएगा। आप भी देख लीजिए कि कैसे जो है बच्चे को वेट करते हैं। इसमें हमने छोटे छोटे पार्ट में वीडियो जो है शूट करके आपको दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग को बेहद अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखिए कैसे जो है इसका तौला जाता है, और जिस बर्तन में हम रखते हैं देखिए ये जालीदार है, ताकि जो पानी है वो नीचे गिर सके। अभी इसको ऐसे ही उठा करके जो पानी हम लोग भरे हैं उसमें छोड़ दिया जाएगा बच्चों को। तो वीडियो के साथ बने रहिए, अभी हम इसका जो है बच्चे को ऑक्सीजन कैसे दिया जाता है उसके बारे में भी आगे दिखाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे तौला जा रहा है बच्चे को। कई दोस्त लोग पूछते हैं कि हम कहाँ से हैं, तो मैं यूपी से हूँ और मेरा ज़िला लगता है सुल्तानपुर। तो ये देखिए बच्चे का जो है वेट किया जा रहा है। तो अब वेट हो गया पूरा, अब जो है आगे आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको बिना ऑक्सीजन के जो है लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मछलियाँ इसमें हैं जो पानी हम लोगों ने फिल किया था। तो ये देखिए ये वीडियो का मेन पार्ट है। देखिए ऐसे करते हुए जो है पूरे रास्ते में जो है गाड़ी चलेगी और इन मछलियों को जो है ऑक्सीजन मिलती रहेगी। आप भी देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं कि हापा लगाना, क्योंकि इसको अगर ऐसे नहीं हिलाएंगे तो मछलियाँ जो है मर जाएंगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऐसा करते रहेंगे तो जो है पानी में मूवमेंट होगा और मछलियों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और ऐसे करते कहीं भी लेके जा सकते हैं आप। तो ये तो हो गया, आपको हापा लगाने के हम तो बता ही दिए। और ये देखिए अब ये पीछे से भी ऐसे जो है इसको बंद कर दिया जाता है, ताकि जब पानी का ब्रेक लगे तो जो है इधर उधर पानी ना जा पाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए थोड़ा सा ये नज़ारा है, हम लोग जा रहे हैं मछली को बच्चे को जो है ड्रॉप करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।